फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक नया केस स्टडी आया है जिसमें कि आपका मोबाइल जो है कि हाफ शॉट है। इससे पहले भी मैंने सैमसंग के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने बताया था किसी भी सैमसंग सेट में कभी अगर इस तरह से हाफ शॉट आता है तो आपको नेटवर्क सेक्शन में काम करना है। तो इसमें मैंने आपको प्रॉपरली चेंज करके चेक कर दिखाया है। देखिए फ्रेंड, जब मैं बैटरी कनेक्ट पर डीसी मशीन चेक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए 0.00 3940 इस तरह से शॉर्ट है। फ्रेंड, इस तरह से कभी भी आपका शॉर्ट आता है तो आपको एक काम करना, सबसे पहला जो स्टेप है आपको नेटवर्क सेक्शन जो है उसका 3G और 4G जो एंटीना स्विच जो IC है उसके वहाँ पर आपको शॉर्ट चेक करना है। अगर वहाँ पर अगर शॉर्ट होगा तो आपको IC को रिमूव करके फिर हैंडसेट को चेक करना है, हैंडसेट आपका ऑन हो जाएगा। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था वो सैमसंग का i30 का वीडियो था जिसमें मैंने हैंडसेट आपको ऑन नहीं करवा के दिखा पाया था, वीडियो थोड़ा कट गया था। लेकिन मेरे पास अभी आज एक i70 आया है। जितने भी सैमसंग के ए सीरीज के फ़ोन हैं या दूसरे कुछ फ़ोन हैं, इस तरह से छोटा छोटा जो माइनर शॉट आता है वो मैक्सिमम नेटवर्क सेक्शन से आता है, मेन एंटीना स्विच से आता है, किसी में 3G 4G IC से आता है। जहाँ जहाँ वी बैट की सप्लाई गई हुई है वहाँ से फॉल्ट आ सकता है। फिर देखिए, पहले हम इसके जो प्रोटेक्शन कवर है उसको थोड़ा खोल लेते हैं और प्रोटेक्शन जो कवर दिया हुआ है उसको हम रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें शॉटिंग चेक करेंगे कि हमारा हैंडसेट शॉर्ट है कि नहीं। जहाँ पे बोला था मेन जो IC है, जो 3G 4G IC है, वो IC हम लोग का शॉर्ट है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे बन रही है। फ्रेंड्स, मैंने उसे प्रोटेक्शन कवर को उठा लिया है। अब यहाँ पे जो मेन जो एंटीना स्विच देखिए साइड में है और यहाँ जो मैं ये 3G 4G का जो IC दिया हुआ है, हमको तो कैन करने की ये जरूरत IC है। है यहाँ पे दो जो कैपेसिटर है, छोटा है मेरे, हाँ वी बैट की सप्लाई आती है, सॉरी वी बैट नहीं, यहाँ वी सिस्टम की सप्लाई आती है जो कि DC टू कन्वर्टर IC के बाद यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे शॉर्ट है, यहाँ पे दोनों तरफ कैपेसिटर के दोनों साइड में शॉर्ट है, एक तरफ ग्राउंड होता है और एक तरफ सप्लाई होती है। तो यहाँ पे दोनों तरफ जो है हमें शॉर्ट का बजर सुनाई दे रहा है। तो इस कंडीशन में हमें समझ लेना है कि इस IC का 100% ख़राब होना तय है, तो इसको हम रिमूव करें।
देखिए अब हम इसे फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब शॉट कट चुका है, एक तरफ ग्राउंड आ रहा और एक तरफ कोई भी शॉटिंग नहीं है। तो अब हम हैंड सेट को चेक कर लें कि हम लोग का जो फॉल्ट है वो भी ठीक हुआ है कि नहीं। तो हैंडसेट को अभी पैनल में लगा लेंगे मदरबोर्ड को। फ्रेंड्स अगर ये आईसी रिमूव करके भी हम लोग चेक करते हैं इससे हमें फॉल्ट समझ में आ जाता है। अगर हमारा हैंडसेट ओके हो जाता है, वर्किंग हो जाता है, तो फिर हम इसका 3G 4G आईसी लगा सकते हैं। अगर ये आईसी नहीं लगाते हैं तो इससे फॉल्ट आपका 3G 4G नेटवर्क नहीं आएगा, बाकी हैंडसेट आपका फुल रनिंग हो जाएगा। आप इसमें मैं इसमें जो है हैंडसेट को चालू करके दिखा देता हूँ कि हैंडसेट को कैसे चालू हो गया इसमें। उसके बाद आईसी इसमें मैंने बाद में इसमें आईसी लगा दिए, क्योंकि आईसी लगाने से हैंडसेट शॉर्ट हो जाता है और हैंडसेट ऑन नहीं होता है। वो तो फ्रेंड्स आप लोगों ने किसी ने अगर ऐसा काम किया होगा तो पता होगा कि थोड़ा सा भी माइनर शॉर्ट होने से ये हैंडसेट चालू नहीं होता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप इसमें जो शॉर्टिंग किस तरह से आती है वो पूरी प्रोसेस मैंने इसमें चेक करवाई है। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको कैसा लगा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। देखिए फ्रेंड्स हैंडसेट हम लोग का चालू हो चुका है और देखिए ये चार्ज भी हो रहा है। तो फ्रेंड इसको हमें बैटरी भी चार्ज है तो हम इसको डायरेक्टली हम इसको पावर स्विच शॉर्ट करके भी चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं और नेक्स्ट किस सेक्शन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, कौन सा वीडियो बनाना है उस पर कमेंट करें। देखिए फ्रेंड्स हैंडसेट हम लोग का चालू हो चुका है। फ्रेंड्स 10 मिनट के अंदर किसी भी फ़ोन को आप रिपेयर कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स फुल वर्किंग है सेट हम लोग का और हैंडसेट चालू हो चुका है। देखिए टच भी वर्किंग कर रहा है।